हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम रैपिड रिवीजन। ओके, हम रैपिड रिवीजन सीरीज कर रहे हैं जिसमें हम मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक कर चुके हैं। आप विजिट जरूर कीजिएगा, 100% हेल्प करने वाला है आपको एग्जाम में। और बहुत सारे बच्चे नोट्स के लिए बहुत अच्छे से फीडबैक दे रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये हेल्पफुल रहे आपके लिए। अगर नोट्स आप ओपन करेंगे और फिर आप रैपिड रिवीजन देखेंगे तो 1 आवर में आपका एक सिस्टम रेडी हो जाएगा, एक्सेप्ट नोवा सिस्टम जिसको 2.5 के करीब टाइम लगेगा। ठीक है, तो आई कैन अश्योर यू कि अगर आप एम्स में हैं या पीजी भी कर रहे हैं एम्स में, तो भी आप टॉपर स्टूडेंट्स में 100% आ सकते हैं अगर आप ये नोट्स यूज करेंगे। ठीक है, आई होप कहीं ना कहीं आपको मैं हेल्प कर पा रही हूँ। मैं बहुत हार्ड वर्क कर रही हूँ ताकि एग्जाम के टाइम में आपको फटाफट से मैं आपकी कुछ प्रिपरेशन करा पाऊँ। तो प्लीज विजिट जरूर कीजिएगा और एज मच एज पॉसिबल आप शेयर कीजिएगा ताकि सारे बच्चे बेनिफिट ले सकें। तो अब बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम फिजियोलॉजी। अब डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए थोड़ा इंट्रोड्यूस करना भी जरूरी है। तो हमें सबको पता होता है ये ओरल कैविटी, ये फैरिंग्स, ये ईसोफेगस, ये हमारा स्टमक है, देन ड्यूडेनम, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है जेजुनम, और फिर इलियम। इलियम के बाद हमारी कॉलोन स्टार्ट हो जाती है, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग और सिग्मोइड कॉलोन, रेक्टम एंड एनस। ठीक है, बाकी हमारा लीवर है, लीवर के पीछे की तरफ हमारा गॉल ब्लैडर होता है, ये और यहाँ पेनक्रियास, तो हिपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट जो है यहाँ पे ओपन हो रही होती है। तो हम पूरा डाइजेस्टिव फिजियोलॉजी करेंगे तो ये पॉइंट वैसे भी आपको क्लियर हो जाएगा। पहले हम देखते हैं कि गट की लेयर्स क्या है। तो अगर हम गट को कट करें तो बाहर की तरफ सीरोजा, फिर 2 मसल लेयर होती है, लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर और सर्कुलर मसल लेयर, फिर होता है सबमिकोजा, सबमिकोजा के बाद होता है मिकोजा, मिकोजा में जो होता है लैमिना प्रोप्रिया और बेसमेंट मेम्ब्रेन, और फिर हमारे सेल्स। ठीक है, एपिथेलियल लेयर जो होती है और उसके ऊपर होते हैं सीलिया, ताकि सरफेस एरिया हमारी गट का जीआईटी का इंक्रीज हो सके, ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो सके। ठीक है, तो ये लेयर्स हैं जो हमेशा ही थ्रू आउट गट जो फॉलो होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए एंटेरिक नर्वस सिस्टम हमारी गट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसमें 2 टाइप के नर्व प्लेक्सेस होते हैं। तो अगर सब मिकोजा में नर्व प्लेक्सेस है उसको हम बोलते हैं मैश नर्व प्लेक्सेस। ठीक है, मैशनर्स प्लेक्सस जो है वो सिक्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और इन दोनों मसल लेयर के बीच में नर्व प्लेक्सस प्रेजेंट होता है उसे बोलते हैं माइंट्रिक प्लेक्सस। माइंट्रिक प्लेक्सस जो होता है हमारी गट मूवमेंट्स के लिए, जहां भी आप मोटिलिटी बताएंगे वहां आप माइंट्रिक प्लेक्सस को थोड़ा सा जरूर बताएंगे। ठीक है, तो ये हो गई लेयर्स ऑफ गट। ओके, देन हमारा टॉपिक आता है फर्स्ट सलाइवरी सिक्रेशन। सलाइवरी सिक्रेशन में हमारी 3 ग्लैंड्स होती है, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल। पैरोटिड जो बेसिकली हमारी, ये हमारी 3 लोकेशन होती हैं ग्लैंड्स की, और बेस्ड ऑन कंपोजिशन जो है किस टाइप के सेल प्रेजेंट हैं, एक होता है सीरस टाइप, एक होता है म्यूकस टाइप। सीरस टाइप मतलब ज्यादा वॉटरी सिक्रेशन, सलाइवा बनेगा और उसमें एंजाइम बहुत ज्यादा होंगे। म्यूकस होती है, थिक होता है लेकिन उसमें एंजाइम बहुत कम होते हैं, या फिर मिक्सड जिसमें दोनों टाइप के सेल हों। तो अगर हम अपनी 3 ग्लैंड्स देखें तो पैरोटिड होती है सीरस टाइप, ठीक है, यानी ज्यादा एंजाइमेटिक, और सब मैंडिबुलर सबलिंगुअल होते हैं मिक्स्ड टाइप ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स। अच्छा, हर फ्लूड की आपको कंपोजिशन आनी चाहिए। तो सलाइवा जो है 99% वाटर होता है और 1% के करीब सॉलिड होता है। अब हर एक में इनऑर्गेनिक आप हर जगह यही लिख दो, जितने भी आपके सिक्रेशन है उनमें सब में इनऑर्गेनिक के सारे आयंस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, बस ऑर्गेनिक आपको याद करना है काइंड ऑफ। तो ऑर्गेनिक में हमें पता है सलाइवा में सलाइवरी अमाइलेज मिलेगा, ठीक है, जिसे टाइलिन भी बोलते हैं। सलाइवरी लाइपेज मिलेगा जो एक्टिव ही नहीं होता, लाइसोजाइम, आईजीए और कैलिक्रिन। ठीक है, 1000 to 1500 ml पर डे जो सलाइवा सेक्रेशन होता है, और ये क्लाउडी होता है थोड़ा सा, और पीएच इसका होता है 6.4 to 7। ठीक है, सलाइवरी सेक्रेशन जो है ये इस तरह से एक एसिनस सेल होता है, ये एसिनस है और ये डक्ट है। ठीक है, इस तरह से होता है। तो पहले एसिनस जो है वो सलाइवा सेक्रेट करता है जो कि आइसोटोनिक होता है सलाइवा, फिर जब वो डक्ट के थ्रू जा रहा होता है तो डक्टल सिक्रेशन बोलते हैं उसको। बेसिकली होता क्या है, सोडियम क्लोराइड तो एब्जॉर्ब हो जाते हैं और पोटेशियम सिक्रेट हो जाता है और बाइकार्ब सिक्रेट हो जाता है। तो समझ रहे हो, वाटर के लिए ये इम्परमेबल है लेकिन पोटेशियम और बाइकार्ब जो है वो एंटर हो गए। ठीक है, इसको बोलते हैं डक्टल मोडिफिकेशन। तो जो जो हमारा आएगा, इलेक्ट्रोलाइट एब्जॉर्ब हो गए, वाटर यहीं पे है, तो इसलिए इस सलाइवा को बोलेंगे हाइपोटोनिक सिक्रेशन। हाइपोटोनिक सलाइवा जो है डक्टल यहाँ से सिक्रेट हो रहा होता है और इस मॉडिफिकेशन को बोलते हैं हम डक्टल मॉडिफिकेशन। तो इसी को आप इस तरीके से लिख देंगे जो मैंने अभी बोला।
अब फंक्शन तो आने चाहिए सलाइवा के, एक तो ओरल हाइजीन को मेंटेन करता है, आईजीए और लाइसोजाइम दोनों ही एंटीबैक्टीरियल चीजें प्रेजेंट है, एंटीबैक्टीरियल एक्शन है, ठीक है। डेंटल कैरीज जो है, अगर सलाइवा जो है वो कम सिक्रेट हो तो डेंटल कैरीज उसमें बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। इट एक्ट एज सलाइवा एक्ट एज सॉल्वेंट विच स्टिमुलेट टेस्ट बट, तभी हम टेस्ट कर पाते हैं चीजों को। आर्टिकुलेशन में हेल्प करता है, स्पीच कर पाते हैं, ठीक है। मैस्टिकेशन में हेल्प करता है ये। डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट सलाइवरी अमाइलेज जो है वो एक्टिव है। लाइपेज नहीं होता तो लिपिड नहीं लिख सकते आप, बफर एक्शन का काम करता है, क्योंकि सलाइवा जो कहीं ना कहीं वो हमारी एसिड रिफ्लक्स में, जब एसिड इसोफेगस में आता है तो उसको न्यूट्रलाइज करके इसोफेगस को प्रोटेक्ट कर रहा होता है, ठीक है। अगर रेगुलेशन की बात करें सलाइवरी सिक्रेशन का, तो पैरासिम्पेथेटिक सप्लाई कहीं भी, पैरासिम्पेथेटिक सप्लाई इंक्रीज करती है सिक्रेशन को हमारी बॉडी में, लेकिन ये वैगल नर्व से बेसिकली इनर्वेटेड है हमारा पूरा जीआईटी, एफरेंट और रिफरेंट दोनों ही कनेक्शन। तो जब भी हम सोचेंगे खाने के बारे में, सबको पता है सलाइवेशन होता है भाई, स्मेल से, देखने से, है ना, अच्छे से फूड के आइडिया से भी स्मेल जो है सलाइवेशन होता है, ठीक है, फूड को च्यू करने से, और क्लासिक कंडीशन, पावलो क्लासिक कंडीशन, ये शायद सबको आती है ना, लोग के आगे जब हम फूड रखते हैं सलाइवा करता है, जब फूड को बेल के साथ एसोसिएट करते हैं तो सलाइवेशन होता है, सिर्फ अकेली बेल जब रिंग करते हैं तो भी सलाइवेशन होता है, इसे बोलते हैं एसोसिएटिव कंडीशन, क्लासिक कंडीशन, पावलोव एक्सपेरिमेंट, है ना, ओके। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं पैरासिम्पैथेटिक कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है। दूसरा सिंपैथेटिक मतलब जैसे फियर हो गया, या फिर एट्रोपिन इंजेक्शन दे दिया, एंटीकोलिनर्जिक यानी वेगस को ब्लॉक कर दिया आपने, तो इन कंडीशन में सलाइवा सिक्रेशन कम होता है। ये हम ऑपरेशन थिएटर में जैसे सब्जेक्ट एस्पिरेट ना करे, कोई पेशेंट एस्पिरेट ना करे, इसलिए हम सलाइवा को डिक्रीज कराते हैं, सिक्रेशंस एट्रोपिन देते हैं ताकि रिड्यूस्ड रहे और एस्पिरेशन के चांस ना हो जो ड्यूरिंग सर्जरी। नेक्स्ट आता है स्टमक, जो कि 100% पूछा जाता है बच्चों, मतलब जीआईटी में स्टमक तो बिल्कुल मत छोड़ना, मैं तो यही कहूंगी, स्टमक और डाइजेशन एब्जॉर्प्शन ये तो मतलब नहीं छोड़ने बिल्कुल भी, ओके। स्टमक में गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन मोस्ट इंपोर्टेंट है, बट स्टमक का भी आइडिया होना चाहिए। तो स्टमक ये इसोफेगस है, ज्वाइनिंग पार्ट को यहाँ पे कब बोलते हैं कार्डिया, स्टमक के ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं फंडस, पूरे पार्ट को बोलते हैं बॉडी, ठीक है, और लास्ट ये पार्ट है डिस्टल, इसको बोलते हैं एंट्रम। एंट्रम में लास्ट में एक होता है स्फिंक्टर, जिसे बोलते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर, और ये दो कर्वेचर हैं इसमें, इसको बोलते हैं लेसर कर्वेचर, इसको बोलते हैं ग्रेटर कर्वेचर, ठीक है। अब यहीं पे अगर हम स्टमक की वॉल देखें तो फोल्डिंग्स प्रेजेंट होते हैं ऐसे, ठीक है। इन फोल्डिंग्स में अगर हम देखें तो सारे टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, सुपरफिशियल लेयर पे म्यूकस सेल प्रेजेंट होते हैं, म्यूकस और बाइकार्ब सिक्रेट करके और हमारे स्टमक में ऊपर एक लेयर बना के रखते हैं, ठीक है। फिर जी सेल प्रेजेंट होते हैं, गैस्ट्रिन, ये हमारे सबसे इंपॉर्टेंट पैराइटल सेल प्रेजेंट होते हैं जो एचसीएल को सिक्रेट करेंगे ल्यूमन में। चीफ सेल प्रेजेंट होते हैं जो पेप्सिनोजन सिक्रेट करते हैं। एंटरक्रोमोफिन सेल प्रेजेंट होते हैं जो हिस्टामिन सिक्रेट करते हैं, ठीक है। ये सब हम पढ़ेंगे फिर से, तो अल्टीमेटली आपको कुछ सेल्स का नाम पता होना चाहिए और वो क्या क्या सिक्रेट करते हैं वो पता होना चाहिए। अब गैस्ट्रिक एसिड जो है स्टमक में वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसकी कंपोजिशन है बेसिकली 1.2 टू 1.5 लीटर पर डे सिक्रेट होता है, पीएच लेस देन 2 होता है, सबको पता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.002 टू 1.004 होती है। 99.45% वाटर और 0.55% सॉलिड, ठीक है। हमेशा वही इनऑर्गेनिक में बता रही हूँ ना, सारे आयंस लिख देना, और ऑर्गेनिक में जो उससे स्पेसिफिक है। अब हमारे स्टमक में क्या है, अभी अभी देखा हमने पेप्सिन सिक्रेटिंग सेल है, पेप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म में सिक्रेट होता है वो, ठीक है। गैस्ट्रिक लाइपेज अमाइलेज, गैस्ट्रिक अमाइलेज एसिड कोई हमारा एंजाइम नहीं होता, ये एचसीएल जो है उसे ब्रेक डाउन कर रहा होता है। लाइसोजाइम म्यूकस जो सोल्यूबल और इनसोल्यूबल म्यूकस बनाता है। इंट्रिंसिक फैक्टर अलोंग विद एचसीएल, इंट्रिंसिक फैक्टर भी होता है उसके अंदर, पैराइटल सेल ही सिक्रेट करते हैं, ठीक है। अब हमें जानना है मैकेनिज्म ऑफ गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन। अब देखो बहुत ही सिंपल तरीके से हम सीखेंगे, ये बहुत कॉम्प्लेक्स समझते हैं बच्चे और ऐसा लगता है पता नहीं क्या है, कैसे समझाएं, तो हम देखो बहुत आसान तरीके से हम रिवाइज करेंगे, ओके। तो क्या होता है पैराइटल सेल में, कार्बोनिक एसिड, अब देखो हमेशा ना एच पॉजिटिव को ल्यूमन में आना है, एच पॉजिटिव कैसे बनेगा बस वो देखना आपको। तो हमारी सेल के अंदर CO2 और वाटर तो होता ही है, अब अगर कार्बोनिक एनहाइड्रेस प्रेजेंट है तो दोनों के दोनों मिलके बना देंगे कार्बोनिक एसिड, ये प्रोसेस हमारी हर जगह हो रही होती है। जब कार्बोनिक एसिड बनती है
तो वो स्प्लिट हो जाती है एच पॉजिटिव और बाइकार्ब में, ठीक है। अभी एच पॉजिटिव से चला जाएगा ल्यूमन के अंदर, ठीक है, और बाइकार्ब को अब एक्सचेंज करने के लिए कुछ चाहिए। तो क्या होता है बेसिकली, एक ये पोटेशियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर है, एच पॉजिटिव चला गया यहाँ ल्यूमन में, ये है स्टमक का ल्यूमन, एच पॉजिटिव चला गया और पोटेशियम उसके एक्सचेंज में आ गया अंदर, ठीक है। एच ये इस तरीके से कार्बोनिक एसिड बना था और एच पॉजिटिव चला गया बाहर, और बाइकार्ब, अब ये बाइकार्ब जो है ये बाहर फेंकने वाला कोई चाहिए, अब ये बनता काम करता है हमारा क्लोराइड। तो क्लोराइड बाइकार्ब एक्सचेंजर होता है ये, क्लोराइड अंदर आ जाता है और बाइकार्ब बाहर चला जाता है, ठीक है, ओके। तो ये हम लिख भी इस तरीके से सकते हैं, देख लो, बाइकार्ब इन एक्सचेंज ऑफ क्लोराइड मूव्स आउट यूजिंग क्लोराइड बाइकार्ब एक्सचेंजर ऑन बेसोलिटल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये हमारी एपिकल मेम्ब्रेन है, ये बेसोलिटल मेम्ब्रेन, एपिकल हमेशा ल्यूमन की तरफ, कैविटी की तरफ होती है, ठीक है, ओके। तो ये तो हो गया सिंपल। अब क्लोराइड आ गया, क्लोराइड तो लीकी चैनल से हमारा सीधा ल्यूमन में चला जाएगा। अब एच पॉजिटिव पहुंच चुका है, क्लोराइड यहाँ पहुंच गया, बन गया HCl, ठीक है। अब पोटेशियम, अब इन्हीं दो चीजों को चलते रहने के लिए, ठीक है, अब पोटेशियम अंदर आ गया है, ठीक है, पोटेशियम अंदर आ गया है तो पोटेशियम लीकी चैनल से बाहर भी जा सकता है। अब हमारा एक न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए हमारा सोडियम पोटेशियम हमेशा प्रेजेंट होता है, ठीक है, सोडियम पोटेशियम पंप, ताकि वो न्यूट्रलिटी मेंटेन रहे, आयनिक जो है इम्बेलेंस ना हो, इसलिए सोडियम को वो बाहर फेंकेगा और पोटेशियम अंदर आएगा, ठीक है। अब इसको मेंटेन करने के लिए, ताकि सोडियम पोटेशियम पंप मेंटेन होता रहे, सोडियम हाइड्रोजन पंप भी प्रेजेंट होता है, ताकि सोडियम बाहर गया फिर से अंदर आ सके, ताकि ये दोबारा वर्क कर सके, ठीक है। तो ये कुछ आपको बेसिकली, एक तो ये नहीं भूलना और एक ये नहीं भूलना, अगर बाय चांस ये भूल भी जाओ तो आप क्या करेंगे, सीधा प्रोटोन पंप बना के, इसे प्रोटोन पंप भी बोलते हैं, है ना, प्रोटोन को बाहर ये ल्यूमन में डाल रहा है, इसलिए तो पोटेशियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर और क्लोराइड बाइकार्ब एक्सचेंजर, ये दो आप ड्रॉ करेंगे साथ में, क्लोराइड को बाहर भेजने के लिए आप लीकी चैनल ड्रॉ करेंगे। अगर इतना भी कर लेते हैं तो आपका HCl सिक्रेशन का मैकेनिज्म क्लियर हो जाता है, ठीक है, ओके। तो अब लिखेंगे कैसे, H पॉजिटिव इज पंप्ड इनटू ल्यूमन ऑफ स्टमक यूजिंग H पॉजिटिव पोटेशियम ATPase पंप, जिसे प्रोटॉन पंप भी बोलते हैं। अब क्लोराइड जो है मूव्स इनटू ल्यूमन, क्लोराइड ल्यूमन में कैसे गया, वाया क्लोराइड चैनल्स, ठीक है। अब क्लोराइड जो है वो बाहर चला गया, सोडियम पोटेशियम पंप प्रेजेंट ऑन बेसोलेटरल मेम्ब्रेन विच मूव्स पोटेशियम इनसाइड विच मूव्स इनटू ल्यूमन एज क्लोराइड क्रिएट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ओके। तो क्लोराइड ने जो यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्रिएट की, उसकी उसके साथ में ही पॉजिटिव चार्ज को भी बाहर भेज दिया जाता है। पोटेशियम का जो ये लीक है, ये क्लोराइड की वजह से ड्रिवन हो जाता है। अब रेगुलेशन ऑफ एसिड सिक्रेशन अगर देखें तो नर्वस रेगुलेशन और पैराक्राइन रेगुलेशन। नर्वस रेगुलेशन मतलब भाई वेगस का रोल आ जाएगा, मतलब भाई देखने से एसिड सिक्रेट होता है, स्टमक में आने से एसिड सिक्रेट होता है, या फिर इंटेस्टिन में आने से, अगर इंटेस्टिन में फूड चला गया और एसिडिक है वो, तो उसको एसिडिक सिक्रेशन कम कर देता है, वो डिक्रीज कर देता है गैस्ट्रिक एम्प्टिंग, ठीक है। तो रेगुलेशन में तो डिक्रीज भी आएगा ना, तो ये आपको तीनों बताने होंगे। दूसरा है पैराक्राइन रेगुलेशन। तो अगर रेगुलेशन आता है और आप नर्वस छोड़ देते हैं बाय चांस, पैराक्राइन लिखते हैं, तो भी आपके मार्क्स आएंगे, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। पैराक्राइन होता है मतलब नेबरिंग सेल एक दूसरे को ही कुछ सिक्रेट करके और इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, दैट इज पैराक्राइन। अब वो हमें देखना है और ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो देखो फटाफट से समझो, ये है हमारा पैराइटल सेल, ये एक एक, एक सेल और बना देते हैं, ये जी सेल हो गया जो कि गैस्ट्रिन सिक्रेट करेगा, ये डी सेल होता है जो कि सोमेटोस्टैटिन सिक्रेट करेगा। गैस्ट्रिन और सोमेटोस्टैटिन है हार्मोन जो ब्लड में जाएंगे, ठीक है। अब पैराइटल सेल में बस फोकस करो, यहाँ पे ये प्रोटॉन पंप है, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि इस प्रोटॉन पंप की एक्टिविटी को हम बढ़ाता है बस, ठीक है। तो पहले बात है, एक एक ये सेल है जिसका नाम है एंटेरोक्रोमोफिन सेल। एंटेरोक्रोमोफिन सेल एक्सोसाइटोसिस ऑफ हिस्टामिन करता है, तो हिस्टामिन सिक्रेट करता है ये, और हिस्टामिन इसको स्टिमुलेट करता है एसिड सिक्रेशन के लिए वाया H2 रिसेप्टर्स, ठीक है। पहली बात समझ आ गई, जो हिस्टामिन है ये H2 रिसेप्टर है जिनके ऊपर एक्ट करके इसको स्टिमुलेट करेगा हिस्टामिन, ठीक है। पहली चीज आ गई समझ। दूसरी गैस्ट्रिन ब्लड में जाएगा और ये गैस्ट्रिन जो है ये हिस्टामिन को भी स्टिमुलेट करेगा
और इधर आके पैराइटल सेल को भी स्टिमुलेट करेगा, दोनों को ही एसिड सिक्रेशन के लिए स्टिमुलेट करेगा। इसको स्टिमुलेट कर रहा है विच इन टर्न स्टिमुलेट एसिड सिक्रेशन, तो समझ आ गया, ये भी एक्साइटेटरी हो गया, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा है डी सेल, डी सेल सोमेटोस्टेटिन सिक्रेट करता है, ये है इनहिबिटरी, ये ब्लड में जाएगा और ये इनहिबिट करेगा जो हमारा एक्सेल सिक्रेशन है उसको, ठीक है। ये जो हमारा सोमेटोस्टेटिन है डी सेल का, ये इनहिबिट करेगा हमारा एसिड सिक्रेशन को, ओके, ठीक है। उसके अलावा क्या है, हमारी पैरासिम्पैथेटिक नाव वैगस नाव, अगर हम वैगस नाव की बात करें, वो सिक्रेट करेगी एसिटाइल कोलिन, एसिटाइल कोलिन एक्ट करेगी M3 रिसेप्टर्स पे, M3 रिसेप्टर्स ऑफ पैराइटल सेल, M3 रिसेप्टर्स हो गए, वो भी स्टिमुलेट करेंगे एसिड सिक्रेशन। अब ये तो हमें पता है ना कि वैगस हमेशा सिक्रेशन को स्टिमुलेट करती है GIT में, ठीक है, ये भी स्टिमुलेटरी हो गया। दूसरा क्या है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो होता है कि हमारा अमाइनो एसिड हम खा रहे हैं, अमाइनो एसिड हम खा रहे हैं, वो कोक्स पाथवे से अरेकिडोनिक एसिड हम खा रहे हैं और कोक्स पाथवे से वो बन जाता है PGE2 और PGI2, ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस कराता है। अभी प्रोस्टाग्लैंडिन है ये एंड एसिड से उल्टा होते हैं, एंटागोनिस्ट होते हैं, ये करते क्या है, ये स्टिमुलेट कर देते हैं इन सेल को, म्यूकस सेल को, ठीक है, जो कि सिक्रेट करता है म्यूकस और बाइकार्ब। अब म्यूकस बाइकार्ब ऑब्वियसली जब भी सिक्रेट होंगे वो इनहिबिट करेंगे एचसीएल को, ठीक है, और ये लेयर हमारे लिए बहुत जरूरी होती है, म्यूकस बाइकार्ब लेयर ये बना देंगे यहाँ पे लेयर ल्यूमन की तरफ, ताकि हमारी जो एपिथेलियम ये सेल्स है ये प्रोटेक्टेड रहे, गैस्ट्रिक म्यूकोसा जो है ये एसिड से बर्न ना हो, डिस्ट्रॉय ना हो, ठीक है, ओके। तो प्रोस्टाग्लैंडिन इधर तो म्यूकस को सिक्रेट कराती है, दूसरा ये इनहिबिट भी करती है एसिड सिक्रेशन को, ओके, इतना पॉइंट क्लियर है, इसे समराइज कर लेते हैं फटाफट से। हाँ, तो वैगस हमारा जी सेल जो है वो गैस्ट्रिन से स्टिमुलेट करता है, एंट्रोक्रोमिथिन हिस्टामिन से स्टिमुलेट करता है, ठीक है, डी सेल इनहिबिट करता है और कॉक्स पाथवे से पीजी भी इनहिबिट करते हैं, ये दो इनहिबिट करते हैं, ठीक है, और हमारा जो वैगस नाव है वो एंट्रोक्रोमिथिन सेल को भी स्टिमुलेट करती है और डायरेक्टली भी स्टिमुलेट करती है, ओके, समझ आ गया इतना। और जी सेल जो गैस्ट्रिन सिक्रेट करते हैं वो भी एंट्रोक्रोमोफिन को स्टिमुलेट करते हैं, तो इन टर्न जो है पॉजिटिव फीडबैक चल रहा होता है यहाँ पे, ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक को स्टिमुलेट करती है। अब इन इसी में ड्रग्स भी देख लेते हैं, प्रोटोन पंप इनहिबिटर होते हैं जैसे ओमिप्राजोल, वो क्या करते हैं, इस प्रोटोन पंप को इनहिबिट करते हैं जिससे एसिड बनेगा नहीं ल्यूमन में। दूसरा नसेड्स ब्रूफिन वगैरह क्या करती है, ये कोक्स इनहिबिटर होती है, मतलब कोक्स पाथवे से प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनेगा तो क्या होगा, ये एसिड सिक्रेशन को बढ़ा देंगी, इनहिबिट करता है ना प्रोस्टाग्लैंडिन को, अब उसको इनहिबिट करेंगी तो उसको बनने नहीं देंगी तो ये एसिड बढ़ेगा इससे, इसलिए बोलते हैं ना पेन किलर मत खाओ ज्यादा, या खाते हैं तो एसिड साथ में दे जाते हैं, है ना। अच्छा, एंटी हिस्टामिनिक रेंटेक तो सबने खाई होगी, रेंटिडिन, रेंटिडिन एंटी हिस्टामिनिक होती है, मतलब हिस्टामिन जो इसी सेल सिक्रेट करेंगे जो एसिड सिक्रेशन को बढ़ाती हैं उनको इनहिबिट करता है ये एंटी हिस्टामिनिक। तो जब एसिडिटी होगी तो पेशेंट को क्या दिया जाएगा, एंटी हिस्टामिनिक और प्रोटोन पंप इनहिबिटर, ठीक है, इसलिए ये जो हमारे अल्सर्स होते हैं उसमें ट्रीटमेंट का प्लान होता है। फंक्शंस ऑफ गैस्ट्रिक एसिड, तो रेगुलेशन सबसे ज्यादा पूछा जाता है, वो आप ध्यान से देखना, ड्रॉ करके देखना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। फंक्शंस क्या है, फिर एचसीएल सिक्रेट होता है जो कि प्रोटीन डाइजेशन कराता है, एक्टिवेशन ऑफ पेप्सिनोजन करता है, कंट्रोल बैक्टीरियल ग्रोथ, रेस्पॉन्सिबल फॉर एसिडिक पीएच, पेप्सिनोजन ऑक्सेंटिक सेल सिक्रेट करते हैं जो जिससे एक्टिवेट करता है एचसीएल टू पेप्सिन, ठीक है। म्यूकस म्यूकस जो है म्यूकस गॉब्लेट सेल सिक्रेट करते हैं जो प्रोटेक्ट करता है हमारा गैस्ट्रिक मुकोजा फ्रॉम डैमेज फ्रॉम एचसीएल, ठीक है, और इट प्रोवाइड एल्केलाइन पीएच आल्सो टू न्यूट्रलाइज एसिड, ठीक है, एंड प्रिवेंट ऑटोजेनिक डाइजेशन ऑफ गैस्ट्रिक मुकोजा, और उसमें इंट्रिंसिक फैक्टर भी होता है जो B12 एब्जॉर्प्शन के लिए जरूरी होता है, ठीक है। तो गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी इंटेस्टिनल जूस आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए उसका भी, कभी कभी इंटेस्टिनल जूस शॉर्ट नॉट आ जाता है, इसे सकस एंटेरिकस भी बोलते हैं, पीएच होता है एल्केलाइन, ठीक है, 98.5% वाटर और 1.5% सॉलिड, सॉलिड के अंदर वही आयंस प्रेजेंट होते हैं और एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं सबके डाइजेशन के लिए, ठीक है, एंटेरोकाइनेजेस प्रेजेंट होते हैं, डाइपेप्टाइडेजेस प्रेजेंट होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट के लिए सकरेस, माल्टेज, लाइपेज, ठीक है, न्यूक्लियेजेस। 1.2 टू 1.5 लीटर पर डे होता है पीएच और आइसोटोनिक टू प्लाज्मा होता है। अब इसके फंक्शन आपको आने चाहिए, ठीक है, इट न्यूट्रलाइज एसिडिक काइम एंटरिंग इनटू ड्यूडेनम एंड प्रोटेक्ट इंटेस्टाइनल मुकोसा, ठीक है, समझ आ गई।
अब यहाँ पे अल्कलाइन नहीं होता तो एसिडिक काइम आ रहा होता और वो डैमेज कर देता। डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं इसके अंदर सारे टू डाइजेस्ट फॉर डाइजेशन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। ठीक है, एंटरोकाइनेसिस प्रेजेंट होता है विच एक्टिवेट ट्रिप्सिनोजन। अब ट्रिप्सिन नहीं बनेगा तो फिर आगे डाइजेशन कैसे करेगा ये, और ट्रिप्सिन बनना यहाँ जरूरी होता है नहीं तो वहां पे डैमेज कर देता पैनक्रियास में। ठीक है, बाकी इसकी रेगुलेशन की बात करें तो वैगस से तो इंक्रीज होगा ही, कुछ और सिक्रेशन है जो इंक्रीज करते हैं जैसे सिक्रेटिन, कोलेसिस्टोकाइनिन, VIP, और कुछ टॉक्सिन, कोलरा टॉक्सिन में डायरिया हो जाता है, वो कैसे होता है सिक्रेशन को इंक्रीज करके। ठीक है, सोमेटोस्टेटिन और एसिडिक काइम अगर एंटर कर रहा है तो सिक्रेशन कम होगा। ठीक है, अच्छा एक अप्लाइड एक्सपेक्टेड डंपिंग सिंड्रोम, जिसमें बेसिकली क्या होता है कि फूड को डंप कर दिया जाता है ड्यूडेनम में ड्यू टू डैमेज टू पाइलोरस। अब ये स्फिंक्टर रोक रखा होता है, ये बहुत टाइटली कॉन्ट्रैक्टेड होता है जिसकी वजह से जो फूड है वो हमेशा बाहर नहीं निकल पाता जब तक काइम में कन्वर्ट ना हो जाए और फ्लूडी नेचर का ना बन जाए। राइट, फिर अगर ये डैमेज हो गया तो फूड जो है जैसे खाएंगे वो डंप हो जाएगा ड्यूडेनम में। ठीक है, इसीलिए सिम्टम आएंगे डंपिंग सिंड्रोम के। होता क्या बेसिकली, सबसे पहले कुछ मिनट्स में फर्स्ट हाफ एन आवर में एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो जाएगी, सडनली फूड जा रहा है तो इसीलिए क्रैम्प्स होंगी, नोजिया वोमिट, डायरिया होगा। ठीक है, फ्लूड वॉल्यूम कम हो जाएगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगा, फेंटिंग हो सकती है, और लेट में देखें तो शुगर लेवल बढ़ जाएगा सडनली क्योंकि टाइम ही नहीं मिला उसे, फिर डाइजेशन में थोड़ा टाइम तो चाहिए ना उसे, इसलिए इंसुलिन बढ़ जाएगा और सडनली वो शुगर लेवल को कम कर देगा, इसलिए वीकनेस, कंफ्यूजन और ट्रेमर्स आ सकते हैं। मैनेज कैसे करेंगे, एक तो सिंपल शुगर नहीं लेना बहुत ज्यादा, स्मॉल मील लेने हैं सडनली नहीं लेना, प्रोटीन्स खाओ, नो लिक्विड विद मील, है ना, लिक्विड लेंगे तो वो डंप होगा तो और ज्यादा डिस्टेंशन होगी। कुछ ड्रग्स हैं जो गैस्ट्रिक एम्प्टी को इनहिबिट करते हैं और रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी करके पाइलोरस बना के और फिर इसे ट्रीट किया जाता है। नेक्स्ट कम्स इज मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट विच इज गट मोटिलिटी। अब गट मोटिलिटी, गट में मूवमेंट्स हमें चाहिए दो तरीके से, एक तो हम जब खाना खा रहे होते हैं, खाना जब मूव हो रहा होता है, ठीक है, तो ड्यूरिंग डाइजेस्टिव पीरियड्स, और इन बिटवीन फूड टाइमिंग्स ड्यूरिंग इंटर डाइजेस्टिव पीरियड्स। इंटर डाइजेस्टिव पीरियड्स जो कि हमारी लेफ्ट ओवर रेजिडुअल फूड बच गया या फिर डेड एपिथीलियम जो टर्नओवर चलता रहता है वो, ठीक है, और कुछ सिक्रेशंस पड़े होते हैं उन सबको क्लियर करने के लिए चाहिए होता है। दूसरा डाइजेस्टिव में चाहिए होता है कि फूड जो है उसको मिक्स करने के लिए और उसे ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है, और एब्जॉर्प्शन के लिए, ओके, ताकि थोड़ा ट्रांजिट टाइम वहां रह सके कॉन्टेक्ट में इंटेस्टाइन के और वो एब्जॉर्प्शन हो सके। ठीक है, ये बेसिक आइडिया है। अब मोटिलिटी पैटर्न हमें पता होने चाहिए, तो इसोफेगस में मोटिलिटी पैटर्न होता है हमारा स्वेलोइंग रिफ्लेक्स एंड पेरिस्टल्सिस। फिर स्टमक में होता है हमारा रिसेप्टिव रिलैक्सेशन, मिक्सिंग मूवमेंट्स जिसमें पेरिस्टल्सिस भी होता है और रिट्रोपल्शन भी होता है, गैस्ट्रिक एम्प्टिंग का जो पार्ट होता है, और माइग्रेटरी मोटर कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, हंगर कॉन्ट्रैक्शन भी देखने को मिलते हैं स्टमक में। इंटेस्टिन अगर आता है, मोस्टली अगर गट मोटिलिटी आता है तो आपको ये वाला कॉलम बताना है जिसमें आपको सेगमेंटल कॉन्ट्रैक्शन और पेरिस्टल्सिस मेन बताने हैं। आप चाहें तो कुछ रिफ्लेक्सेस बता सकते हैं जो आपकी हेल्प करेंगे मार्क सिक्योरिंग में। ठीक है, लार्ज इंटेस्टिन में होस्टल कॉन्ट्रैक्शन, पेरिस्टल्सिस, मास मूवमेंट, डेफिकेशन, रिफ्लेक्स बता सकते हैं आप। ठीक है, तो एक एक करके फटाफट से देखेंगे ब्रीफली हम कैसे करेंगे उसे। तो माउथ में जो है स्वेलोइंग से भी पहले एक मैस्टिकेशन रिफ्लेक्स, च्यूइंग रिफ्लेक्स आता है, जैसे फूड माउथ में जब आता है तो ड्रॉपिंग ऑफ लोअर जॉ, ठीक है, स्टिमुलेट द स्ट्रेच रिफ्लेक्स ऑफ मसल्स विच लीड टू कॉन्ट्रेक्शन ऑफ जॉ। ठीक है, अब जॉ का कॉन्ट्रेक्शन हो रहा होता है जिसकी वजह से जॉ रेज होगा और अपोजिशन ऑफ टीथ होंगे, बोलस जो है उसे कंप्रेस किया जाएगा, जिसकी वजह से यह साइकिल अगेन चलता रहेगा, कॉन्ट्रेक्शन ऑफ जॉ अगेन और फिर से अपोजिशन, बोलस, कंप्रेशन, इसे बोलते हैं मैस्टिकेशन और च्यूइंग रिफ्लेक्स। डिग्लुटेशन रिफ्लेक्स बहुत बार पूछ लिया जाता है, और क्योंकि रिफ्लेक्स की बात है ये इंपॉर्टेंट है तो आपको इस टर्म में बात करेंगे तो एग्जामिनर ज्यादा इंप्रेस होता है। जब आप सारे कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, कौन रिसेप्टर है, कौन एफरेंट एंडिंग है, कौन इंटीग्रेटिंग सेंटर है, ईफरेंट कौन है और इफेक्टर कौन है, यही होते हैं रिफ्लेक्स के 5 पॉइंट। तो रिसेप्टर होगा यहाँ पे सेंसरी नर्व एंडिंग जो फेरिंग्स से स्टिमुलस लेके जाएंगी जब फूड फेरिंग्स में होगा, और 5th, 9th, 10th क्रेनियल नर्व लेके जाएंगी। डिग्लुटेशन सेंटर मेडुला और लोअर बोन्स में है। इफरेंट जो है वो 5th, 9th, 10th और 12th जो हाइपोग्लोसल और एड हो जाएगी इसमें, और इफेक्टर जो है वो फेरिंग्स और टंग मसल। ठीक है, रेस्पॉन्स होता है मसल कॉन्ट्रेक्शन ऑफ फेरिंग्स। ओके, तो ये कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी है जिसको आप 3 फेजेस में बताएंगे, ओरल, फेरिंजियल और इसोफेजियल फेज।
ओरल फेजेस जो कि वॉलंटरी फेज होता है जिसमें आप बोलस को खुद बोलस को प्लेस करते हो डोर्सल सरफेस ऑफ टंग के ऊपर और फोर्स करते हो ओरोफैरिंक्स की तरफ बस। फैरिंजियल फेज इनवॉलंटरी होता है जिसमें सेंसरी रिसेप्टर स्टिमुलेट होते हैं और ब्रेन स्टेम में सिग्नल जाता है। अब होता क्या क्या रेस्पॉन्स की सॉफ्ट पैलेट रेज होगा, पैलेटोफैरिंजियल फोल्ड बीच की तरफ आ जाएंगे, वोकल कॉर्ड ऊपर की तरफ आ जाएंगे और क्लोज हो जाएंगे, हायोड बोन और लैरिंग्स जो है वो ऊपर की तरफ और आगे की तरफ मूव हो जाएंगे, ठीक है। अब एपिग्लोटिस एपिग्लोटिस स्विंग होके बैक फैरिंग्स को के ऊपर आ जाएगी, ठीक है। तो लैरिंगो फैरिंग्स जो ओपनिंग है उसके ऊपर आ जाएगी एपिग्लोटिस, जिसे हम बोलते हैं स्लीप एपनिया, डिग्लुटेशन एपनिया भी बोलते हैं इसको, है ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम को बंद कर रहा होता है। ओके, तो ट्रेकिया क्लोज हो गया जिससे फूड एंट्री अलाउड नहीं है। अब इसोफेगस में स्ट्रेचिंग हो गई जिसकी वजह से अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर रिलैक्स हो गया, ठीक है। ओके, डिग्लुटेशन एपनिया पूछा जाए तो 1 to 2 seconds के लिए होता है। फिर आता है इसोफेजियल फेज जो कि इनवॉलंटरी होता है। अब इसमें इसोफेजियल इसोफेगस में क्या हो रहा होता है, फूड आ गया, फूड स्ट्रेच होगा तो पेरिस्टल्सिस हो जाएंगे, पेरिस्टल्सिस अप्रोक्स 8 seconds में उसे स्टमक तक पहुंचा देंगे, राइट। तो स्ट्रेच की वजह से मकैनो रिसेप्टर्स जो जनरेट करते हैं पेरिस्टल्सिस को। ओके, तो ये था हमारा स्वेलिंग रिफ्लेक्स। हम स्टमक की मूवमेंट्स की बाद में बात करेंगे, पहले हम बात करते हैं इंटेस्टिनल मूवमेंट्स की। इंटेस्टिनल मूवमेंट जो है स्मॉल इंटेस्टाइन की मूवमेंट, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही छोटा सा है, ज्यादा लंबा क्वेश्चन नहीं आएगा, अगर आता है तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले सेगमेंटल कॉन्ट्रैक्शन बताना है, तो बेसिकली छोटे छोटे सेगमेंट बन जाएंगे 2 to 5 centimeters के जो कि कॉन्ट्रैक्ट होंगे और प्रोपेल करेंगे फूड को दोनों डायरेक्शन में बेसिकली, क्योंकि इसका काम एबोरल ओरल कैविटी से एनस की तरफ फूड को ले जाना नहीं है, इसका काम है सेगमेंट्स में डिवाइड करके दोनों तरफ फेंकना फूड को ताकि मिक्सिंग हो सके अच्छे से, ठीक है। अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रहा होगा जिसकी वजह से एक रिंग लाइक अपीयरेंस गट में देखने को मिल सकता है। अब ये रिंग जो है वो कॉन्सेंट्रिक और एक्सेंट्रिक दोनों होंगी, राइट। कॉन्सेंट्रिक होंगी जब कॉन्ट्रैक्शन होगा बाहर की लॉन्गिट्यूडिनल मसल का लेस देन 2 centimeters लॉन्ग, और कॉन्सेंट्रिक होगी ये एक्सेंट्रिक है, और कॉन्सेंट्रिक होगी जब अंदर सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही होगी, ये ज्यादा बड़ी होती है मोर देन 2 centimeters। फंक्शन क्या होता है, अगर आप ये चीजें स्किप भी करना चाहें तो भी चलेगा, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। फंक्शन क्या होता है, मिक्स करेंगी काइम को थोरोली और हेल्प इन एब्जॉर्प्शन, ट्रांजिट टाइम कम करेगी, ये बेसिकली क्या है, इट इंक्रीजेस द ड्यूरेशन ऑफ कॉन्टेक्ट विद फूड टू बी एब्जॉर्ब, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ड्यूडेनम में ज्यादा होती है विच प्रोपेल द काइम टुवर्ड कोलन। अब नेक्स्ट आता है पेरिस्टल्सिस। पेरिस्टल्सिस ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको थोड़ा सा अच्छे से बताना है बस, कि स्टार्लिंग ने दिया था ये लॉ ऑफ गट भी बोलते हैं, मतलब वे ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जो है वो ट्रेवल करेगी ओरल से एबोरल एंड की तरफ, इसे पोलैरिटी बोलते हैं। अभी होता कैसे है, इसका मैकेनिज्म आपको आना चाहिए। इसमें जब कोई बोलस आता है और वो इस एरिया को स्ट्रेच करता है तो बेसिकली होता क्या है कि बोलस से पहले का पार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है ताकि वो आगे की तरफ पुश हो सके, और आगे का पार्ट जो है वो रिलैक्स हो जाता है, मतलब पीछे का पार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और आगे का रिलैक्स हो जाता है ताकि फूड आगे जा सके। ओके, अब ये चाहे आप ये ऊपर वाला पार्ट बोलो ये नीचे वाला पार्ट बोलो, है ना। ओके, तो पेरिस्टल्सिस इंक्लूड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटेस्टाइन अबोव द बोलस एंड रिलैक्सेशन बिलो इट। होता कैसे है ये, बेसिकली जब फूड पार्टिकल, अगर ये एक इंटेस्टाइन ल्यूमन समझ लो और ये फूड पार्टिकल है, ये इसने यहाँ पे गट को स्ट्रेच कर दिया, यहाँ से स्ट्रेच रिसेप्टर्स जो है वो सिग्नल लेके माइंट्रिक प्लेक्सस को स्टिमुलेट करते हैं। माइंट्रिक प्लेक्सस दोनों मसल ग्रुप के बीच में है, ये सर्कुलर लेयर है, ये लॉन्गिट्यूडिनल लेयर है, ठीक है। तो इनके बीच में माइंट्रिक प्लेक्सस है वो स्टिमुलेट होगा। अब वो क्या करेगा, वो पहले वाले नर्व फाइबर को तो स्टिमुलेट कर देगा और बाद वाले नर्व फाइबर को इनहिबिट कर देगा, तो यहाँ कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, यहाँ रिलैक्सेशन हो जाएगा। इसी को आप फ्लो चार्ट के बेस में बता सकते हैं, डिस्टेंशन बाय बोलस इट एक्टिवेट्स द सेंसरी नर्व, स्टिमुलेट द माइंट्रिक प्लेक्सस, ठीक है। इनर्वेटिंग अबो एरिया वहां पे सिक्रेट करेगा एसिटाइलकोलिन जो कि एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, और नीचे की तरफ सिक्रेट करेगा इनहिबिटरी जो कि नाइट्रिक ऑक्साइड, तो इधर इनहिबिशन हो जाएगा उधर कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, बस वही चाहिए हमें पेरिस्टल्सिस के लिए। तो इस तरीके से पेरिस्टल्सिस हो रही होती है। अब फंक्शन जो है हर जगह सेम रहेगा पेरिस्टल्सिस का, डाइजेशन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, प्रोपेल करना है फूड को टुवर्ड एबोरल एंड, ठीक है, और इंटर डाइजेस्टिव पीरियड में प्रोपेल करना है स्लव्ड एपिथेलियम बैक्टीरिया लेफ्ट ओवर फूड ड्यूरिंग इंटर डाइजेस्टिव पीरियड, ठीक है। अब ये रिफ्लेक्सेस भी आप बता सकते हैं। अब देखो ये बहुत ही सिंपल है कि जो आप पहले लिखा हुआ गैस्ट्रो, मतलब गैस्ट्रिक कैविटी में यानी स्टमक में फूड आया है और इलियम जो है उसमें पेरिस्टल्सिस बढ़ गई है, तो ये हो गया रिफ्लेक्स। अगर जीआईटी के जितने भी रिफ्लेक्सेस हैं वो सारे वेगल मीडिएटेड ही होते हैं, ठीक है, तो आप ये बताएंगे बस कि फूड स्टमक में आया उसकी वजह से इलियल पेरिस्टल्सिस बढ़ गए,
तो दैट इज गैस्ट्रो इलियल रिफ्लक्स। ऐसे गैस्ट्रोपोलिक भी होता है, ठीक है, इंटेस्टिन इंटेस्टिनल भी होता है, मतलब एक जगह की वजह से दूसरा इन्फ्लुएंस हो रहा हो, यहाँ पे रिलैक्सेशन होता है ओवर डिस्टेंशन फूड की वजह से रिलैक्सेशन ऑफ अदर रेस्ट पार्ट, ठीक है। गैस्ट्रोकोलिक जो होता है ये जो आप मॉर्निंग में फील करते होंगे, फूड स्टमक में जैसे ही आता है तो कोलोन स्टिमुलेट हो जाएगी पेरिस्टल्सिस इन मॉर्निंग फॉर बाउल इवैक्यूएशन। लार्ज इंटेस्टिन मोस्टली नहीं पूछा जाता, होस्टल कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, ये किस लिए है, सेम सेगमेंटल कॉन्ट्रैक्शन है, बस बाहर जो पाउच बन जाता है होस्ट्रा यानी पाउच, अब वो बन जाता है क्योंकि बाहर लॉन्गिट्यूडिनल मसल जो है लार्ज इंटेस्टिन की वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही होती है और वो बैंड्स प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से पाउच टाइप स्ट्रक्चर बन जाता है, तो सेम है राइट। पेरिस्टल्सिस जो है यहाँ पे तो होगी ही 5 सेंटीमीटर पर मिनट, और प्रोपेल फूड टुवर्ड रेक्टम, रेक्टम को रेक्टम की तरफ प्रोपेल करेगी फूड को, स्टिमुलेट करेगी डेफिकेशन रिफ्लेक्स। मास मूवमेंट्स जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे डेफिकेशन के लिए, है ना, जो कॉन्स्ट्रिक्शन रिंग्स बन जाती है रेक्टम में और इट पुशेस द फिकल मैटर डाउन द कोलोन, ठीक है, और इनिशिएट करेगी डेफिकेशन रिफ्लेक्स को, ठीक है। तो ये लार्ज इंटेस्टाइन हो गई। अब एक या तो स्मॉल इंटेस्टाइन पूछी जाती है एग्जाम में या फिर स्टमक पूछ लिया जाता है एज गैस्ट्रिक एम्प्टिंग या गैस्ट्रिक मोटिलिटी, तो इसीलिए आप स्टमक इसलिए मैं अलग से बता रही हूँ। अब मूवमेंट कोई भी आए, कोई भी मोटिलिटी आए, ठीक है, आपको बस ये चीज जरूर बतानी है कि ये किस वजह से होती है, तो ये होते हैं बेसल इलेक्ट्रिकल रिदम BER। ये क्या होती है, स्लो वेव्स होती हैं जो कि कुछ नहीं होती, फ्लक्चुएशन होती है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल्स में, ठीक है। और ये कौन से सेल होते हैं इनवॉल्व, ये बेसिकली ऐसे ही पेसमेकर टिश्यू ऑफ गट बोलते हैं, इंटरस्टिशियल सेल ऑफ कार। इंटरस्टिशियल सेल ऑफ कार जो होते हैं वो स्पेशलाइज्ड सेल हैं GIT में, जैसे हार्ट में पेसमेकर होता है ऐसे ये भी सेल हैं। इसके अंदर ये रिदम जनरेट नहीं कर पाते, एक्शन पोटेंशियल दोबारा जनरेट नहीं कर पाते, बल्कि क्या करते हैं, इनके अंदर कुछ लीकी चैनल होते हैं जिसकी वजह से रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल फ्लक्चुएट होती रहती है, जैसे ये रहा, ये इस तरीके की मेम्ब्रेन फ्लक्चुएशन चलती रहती है कुछ आयनिक चेंजेस की वजह से, ठीक है। कुछ पॉजिटिव चार्ज अंदर आता रहता है जिसकी वजह से वो थोड़ा सा EPSP की तरह होता रहता है और फिर सेटल होता रहता है, तो ये अप्रोक्स 10 mV में होता है टोटल रेंज। तो ये है, जब तक -40 पे टच नहीं होगी तब तक एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा जो कि थ्रेशोल्ड है इसका। तो अब -40 पे टच कैसे हो सकता है, या तो फूड आ गया हमारी गट में जिसकी वजह से स्ट्रेच जो है स्ट्रेच की वजह से ये एक्शन पोटेंशियल यहां तक टच हो जाता है थ्रेशोल्ड तक, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कुछ कैटायनिक इनफ्लक्स की वजह से, राइट। अब या फिर वेगल स्टिमुलेशन, पैरासिंपैथेटिक स्टिमुलेशन की वजह से ये टच हो जाता है। तो जब ये टच होगा तो ये इस तरीके से, जैसे 40 पे टच हुआ ये यहाँ पे स्पाइक्स बन जाएंगे, इन्हें हम बोलते हैं स्पाइक पोटेंशियल, ये एक्शन पोटेंशियल ही होते हैं। तो समझ आया, ये जो RMP है इससे मूवमेंट नहीं होती गट की, इनफैक्ट जब स्पाइक पोटेंशियल होती है उससे गट की मूवमेंट हो रही होती है। तो जब फूड आएगा तो अपने आप ही पेरिस्टल्सिस एक्टिविटी शुरू हो जाती है, ठीक है, समझ गए। अब ऑन द अदर हैंड सिंपथेटिक स्टिमुलेशन से ये जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है ये और नीचे मूव करने शुरू हो जाती है, हाइपर पोलराइज स्टेट में चली जाती है, ठीक है, जिससे मोटिलिटी कम होती है। इसीलिए बोलते हैं कि पैरासिंपथेटिक मोटिलिटी बढ़ाता है और सिंपथेटिक कम करता है। स्टमक की अगर आती है तो आप इस तरीके से आंसर करेंगे कि फूड के लिए रिलेटेड है रिसेप्टिव रिलैक्सेशन, ठीक है, पेरिस्टल्सिस और गैस्ट्रिक एम्प्टिंग बतानी है, और बीच के टाइम में माइग्रेटरी मोटर कॉम्प्लेक्स और हंगर कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। अब माइग्रेटरी मोटर क्या होता है, 5 सेंटीमीटर पर मिनट की स्पीड से चल रहा होता है ये, और ड्यूरिंग मिड डाइजेस्टिव पीरियड वही चीज है, माइग्रेटरी मोटर कॉम्प्लेक्सेस भाई मिड डाइजेस्टिव पीरियड में सिक्रेशन वगैरह है उनको क्लियर करना है स्टमक से, तो वही चीज है सेम। हंगर कॉन्ट्रैक्शन ये कुछ ऐसे होते हैं फास्टिंग स्टेट में पेरिस्टल्टिक मूवमेंट होते हैं जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, अब फूड तो है नहीं इसीलिए वो पेनफुल भी हो सकते हैं, ठीक है, हंगर क्रैकिंग बोलते हैं उसको। अच्छा अब फूड की बात कर लेते हैं, रिसेप्टिव रिलैक्सेशन, जब हम खाना खाते हैं और फूड एंटर होता है स्टमक में तो उसको अकोमोडेट करने के लिए हमारा जो स्टमक है वो रिलैक्स हो जाता है, उसे बोलते हैं रिसेप्टिव रिलैक्सेशन। होता कैसे है, जब फूड एंटर होगा तो स्ट्रेच हो जाएगा, वो स्ट्रेच होगा तो वेगल एफरेंट जो है वो स्ट्रेच होगी और वेगल ईफरेंट को ही वो स्ट्रेच करेंगी स्टिमुलेट करेंगी। वेगल ईफरेंट जब स्टिमुलेट होगा तो नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज करेगा जो कि इनहिबिटरी होता है, न्यूरोट्रांसमीटर, रिलैक्स कराता है हमारे मसल्स को, ठीक है, इसे वेगल रिफ्लेक्स भी बोलते हैं। स्टमक में पेरिस्टल्सिस भी सेम ही हो रहा होता है, वही एबोरल एंड मतलब NS की तरफ ही मूव कर रही होगी। वीक वेव्स होते हैं, सबसे कम फ्रीक्वेंसी होती है 3-4,
पर मिनट, हेल्प इन मिक्सिंग द फूड विद सिक्रेशन एंड मेकिंग द काइन, ठीक है, वही काम है मिक्सिंग का, वही रहेगा, ठीक है। और सम बिकम स्ट्रॉन्ग टू एम्प्टी द स्टमक, अब यहाँ पे जो है वो मूवमेंट ऑफ फूड टूवर्ड एनस है ना, तो उसके लिए गैस्ट्रिक एम्प्टिंग ही होगा, है ना। लेकिन गैस्ट्रिक एम्प्टिंग में एक और टाइप की कॉन्ट्रैक्शन है जो हमें आने चाहिए, रिट्रोपल्शन टाइप। बेसिकली हो क्या रहा होता है, पेरिस्टेल्सिस जो स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन है, पहले यहां से कॉन्ट्रैक्ट होगी फिर यहां से कॉन्ट्रैक्ट होगी, मतलब मूव तो ये भी इसी तरफ कर रही है, स्ट्रॉन्ग पेरिस्टेल्सिस कॉन्ट्रैक्शन हो रही होगी टू मिक्स द फूड, ठीक है। पेरिस्टेल्सिस वेव्स दे प्रोग्रेस फ्रॉम पाइलोरस टूवर्ड बॉडी एंड अगेन बिकम इंटेंस टूवर्ड डिस्टल पार्ट, ठीक है। तो ये इस तरह से मूव होती रहते हैं। पाइलोरिक स्फिंक्टर इज टोनिकली कॉन्स्ट्रिक्टेड टू प्रिवेंट बैक फूड पैसेज टू ड्यूडेनम, अब ये रहता है हमेशा कॉन्स्ट्रिक्टेड पाइलोरस। वंस फूड इज कन्वर्टेड इनटू फ्लूइड लाइक कंसिस्टेंसी, जिसे हम बोलते हैं काइम, अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन चल रहा है ना, स्ट्रॉन्ग कॉन्स्ट्रिक्शन चल रहा है, अब ये बन गया काइम, फ्लूडी नेचर का बन गया, तो ये इस जोर से पुश किया जाएगा यहाँ पे, लेकिन ये तो बंद है। अब कोई भी चीज फ्लूड पुश करेंगे हम और आगे बंद है कोई चीज तो वो बैक फ्लो जाएगा, तो इसीलिए पीछे की तरफ वो फ्लूड मूव कर रहा होता है, ये फिर स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रेक्शन से इधर फेंकेगा, ये फिर बैक फ्लो करेगा, फिर कॉन्ट्रेक्शन। तो इन साइकिल्स को बोलते हैं रिट्रोपल्शन। लिखेंगे कैसे, वंस फूड इज पुश्ड टुवर्ड कॉन्स्ट्रिक्टेड पाइलोरस इट इज पुश्ड बैक कॉल्ड रिट्रोपल्शन, इसे पाइलोरिक पंप भी बोलते हैं। वंस इट बिकम लिक्विड इट कैन बी एक्सक्रीटेड आउट फ्रॉम पाइलोरस बिकॉज ऑफ इंटेंस पेरिस्टल्स, तो पाइलोरस जो है वैसे तो बंद है लेकिन फ्लूड सीप कर सकता है, इसमें सीप आउट करता रहता है जो कि गैस्ट्रिक एम्प्टिंग होती है, ठीक है। अब एसिडिक काइम अगर ड्यूडेनम में एंटर होगा तो वो इनहिबिट करेगा गैस्ट्रिक एम्प्टिंग को, लेकिन फैक्टर अफेक्टिंग गैस्ट्रिक एम्प्टिंग सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, तो कौन इंक्रीज करेगा, ज्यादा फ्लूड वॉल्यूम होगा, फूड का वॉल्यूम होगा ज्यादा, स्ट्रेच होगा तो ज्यादा एम्प्टिंग होगी, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खाएंगे तो भी ज्यादा होगी और फास्ट होगी, राइट, प्रोटीन में उससे कम होगी और फैट में उससे कम होगी, ठीक है। गैस्ट्रिक एम्प्टिंग इनहिबिट कौन करता है, एंटेरोगैस्ट्रिक रिफ्लेक्स, ठीक है। बेसिकली क्या है, एंटेरो मतलब इंटेस्टिन, गैस्ट्रिक मतलब स्टमक, तो स्टमक में इंटेस्टिन में जैसे ही एसिडिक फूड जाएगा वो इनहिबिट कर देगी स्टमक को, ताकि गैस्ट्रिक एम्प्टिंग ना हो और थोड़ा और टाइम मिले काइम बनने में, ओके। ये हमारा होता है एंटेरिक नर्वस सिस्टम, जो कि माइंटिक प्लेक्सस को बोलते हैं हम, और 10th क्रेनियल नर्व, ठीक है। अभी इसके क्या क्या फैक्टर्स है, इंटेस्टिनल फैक्टर्स, कि ज्यादा वॉल्यूम अगर इंटेस्टिन में डंप हो गया सडनली तो भी इनहिबिट करेगी, या फिर गैस्ट्रिक म्यूकोसा इरिटेट हो गया, या फिर काइम एसिडिट आ गया, या फिर सॉलिड काइम आ गया, या प्रोटीन प्रोडक्ट ज्यादा आ गए, इन सारी कंडीशंस में ये हमारा रेक्टिवेट हो जाएगा एंटेरोगैस्ट्रिक रिफ्लेक्स। और फैट्स को डिले करेंगे, क्योंकि फैट्स जब भी हम खाएंगे तो सीसीके कोलेसिस्टोकाइनिन और सिक्रेटिन और जीआईपी ये हॉर्मोन्स सिक्रेट होते हैं जिसकी जो इनहिबिट कर सकते हैं गैस्ट्रिक एम्प्टिंग को, ठीक है। तो ये हमारा हो गया स्टमक, अगर सेपरेटली क्वेश्चन आता है तो। लेकिन एक मूवमेंट रह गई जो कि है डेफिकेशन रिफ्लेक्स, जो कभी कभी पूछ ली जाती है, ठीक है। अब ये क्या होता है, बेसिकली ये मास रिफ्लेक्स होता है, जब रेक्टम डिस्टेंड होगा फीसिस की वजह से, उसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन जो है वो एग्रीवेट हो जाए और डेफिकेशन के लिए प्रोसेस स्टार्ट हो जाए, ठीक है, उसे बोलते हैं डेफिकेशन रिफ्लेक्स। ये 18 mmHg पे अर्ज स्टार्ट हो जाता है डेफिकेशन का, और मोर देन 55 mmHg पे रिफ्लेक्स एक्सपल्शन होना शुरू हो जाता है। दो टाइप के स्फिंक्टर होते हैं इसे समझने के लिए, एक होता है इंटरनल स्फिंक्टर जो कि हमारी पैरासिंपैथेटिक कंट्रोल और सिंपैथेटिक में दोनों होता है, सिंपैथेटिक से कॉन्ट्रैक्ट करके रखता है, ठीक है, और पैरासिंपैथेटिक से इनहिबिशन का काम करता है, मतलब डेफिकेशन में हमारा पैरासिंपैथेटिक काम आएगा। एक्सटर्नल स्फिंक्टर पुडेंडल नर्व से इनर्वेटेड होता है, हमारी सोमैटिक ब्रांच से, ठीक है, ये हमेशा कॉन्ट्रैक्ट होता है टोनिकली, तो अगर इसे ओपन करना है तो सुप्रा स्पाइनल इंपैक्ट आएगा हमारा ब्रेन की तरफ से, ओके। तो समझते हैं क्या होता है बेसिकली, तो जब मास कॉन्ट्रैक्शन होंगे, पेरिस्टेल्सिस होगी, वो फूड को प्रोपेल करेंगी रेक्टम में फाइनली, ठीक है, उसकी वजह से रेक्टम स्ट्रेच होगा, जब स्ट्रेच होगा रेक्टम तो पेल्विक एफरेंट नर्व्स जो है वो स्पाइनल कॉर्ड में सिग्नल लेके जाएंगे और साइनेप्स करेंगी पेल्विक वैगल एफरेंट्स पे ही, ठीक है। इससे क्या होगा, ये इनहिबिट करेगा यहाँ पे इंटरनल स्फिंक्टर को, तो इंटरनल स्फिंक्टर रिलैक्स हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है, यहां तक हमें बात समझ आ गई। मेजर रिफ्लेक्स तो है ही, ओके। अब अगर फेवरेबली कंडीशन नहीं है डेफिकेशन के लिए, राइट, तो ये जो स्फिंक्टर है ये मेन रोल प्ले करता है, कॉन्स्ट्रिक्टेड रहेगा, तो अगर वंस आपको फेवरेबल कंडीशन जैसे मिल जाती है तो फिर हायर सेंटर से स्टिमुलेशन आएगा और इस स्फिंक्टर को एक्सटर्नल को भी इनहिबिशन के लिए ऑर्डर मिल जाएगा हायर सेंटर से, और देन डेफिकेशन प्रोसेस कैन अकर इफ पेरिस्टेल्सिस अकर इन रेक्टम। तो समझ आया,
बेसिकली हमें स्फिंक्टर ओपन करने हैं, ऑब्वियसली नीचे वाला स्फिंक्टर तो इस रिफ्लेक्स से ही ओपन हो जाएगा, वेगस लेके जा रही है और वेगस ही वापस लेके आ रही है और इनिबिट कर रहे हैं, और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन होगी ये भी इनिबिट हो जाएगा। तो लिखेंगे कैसे कि मास कॉन्ट्रैक्शन और पेरिस्टेसिस ने पुश किया है इनटू रेक्टम, स्ट्रेच हो गया रेक्टम, स्ट्रेच होने की वजह से पेल्विक एफरेंट नर्व जो है सिग्नल लेके गई स्पाइनल कॉर्ड में, वहां से पेल्विक वेगल एफरेंट सिग्नल वापस लेके आई रिलैक्सेशन ऑफ इंटरनल स्फिंक्टर। वंस दिस हैपन स्टिमुलेशन ऑफ हायर सेंटर आकर विच स्टिमुलेट पुडेंडल नर्व, अब पुडेंडल नर्व इसको इनिबिट कर देगी और रिलैक्स हो जाएगा, ठीक है, और मास कॉन्ट्रैक्शन और पेरिस्टेसिस की वजह से डेफिकेशन प्रोसेस हो जाएगा। अब ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम मोटिलिटी देख चुके हैं लेकिन डाइजेशन अब्सॉर्प्शन जो कि सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो तो हमने देखा ही नहीं। ओके, तो डाइजेशन अब्सॉर्प्शन देखते हैं फटाफट से। अब जैसे डाइजेशन अब्सॉर्प्शन आता है मैं आपको परफेक्ट तरीका बताती हूँ लिखने का। सबसे पहले आप उस जैसे कार्बोहाइड्रेट का आ गया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो आप लिखेंगे कौन सी फॉर्म हम खाते हैं, डाइजेशन कहाँ कहाँ होता है, अब्सॉर्प्शन किस मेथड से होता है, बस ये तीन चीजें बतानी है आपको। तो हम पॉलीसेक्राइड ले रहे होते हैं जैसे स्टार्च, डाइसेक्राइड ले रहे होते हैं जैसे सुक्रोज माल्टोज लैक्टोज, मोनोसेक्राइड्स ले रहे होते हैं जैसे ग्लूकोज फ्रक्टोज गैलेक्टोज, राइट। ओके, डाइजेशन की बात करते हैं माउथ में क्या होता है, तो इस तरीके से हेडलाइन बनानी है। माउथ में क्या होता है, माउथ में हमारा स्लाइवरी अल्फा माइलेज, ठीक है, जो कि हमारा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो है उनको हाइड्रोलाइज कर सकता है, 5% स्टार्च यहाँ पे हाइड्रोलाइज हो जाते हैं। स्टमक में हमारा सलाइवरी माइलेज जो है बिकम इनएक्टिव, 30% स्टार्च यहाँ पे HCl की वजह से हाइड्रोलाइज हो जाता है। स्मॉल इंटेस्टिन की अगर हम बात करें तो पैनक्रेटिक अमाइलेज है, बचा कुचा सारा डाइजेशन यही कर रहा होता है, डाइजेस्ट द स्टार्च इनटू डाइसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स एक्ट ऑन एंजाइम्स ओलिगोसेक्राइडेजेस इन सकस एंटेरिकस, ठीक है, ब्रश बॉर्डर पे बचे हुए एंजाइम होते हैं जैसे डाइसेक्राइडेजेस हो गए, जितने भी डाइसेक्राइडेजेस हैं वो एंजाइम्स उनको कवर कर देंगे इनटू कन्वर्ट कर देंगे मोनोसेक्राइड्स में। समझ में आ गया, ब्रश बॉर्डर पे डाइसेक्राइडेजेस हैं जो मोनोसेक्राइड में कन्वर्ट कर देंगे, पैनक्रेटिक अमाइलेज जो है वो डाइसेक्राइड तक लेके आएगा। ओके, तो अब समझ आया, ये आप दिखा सकते हैं सेम ऐसे देख के कि माल्टेज की प्रेजेंस में माल्टोज 2 ग्लूकोज में बनेगा, सुक्रोज टूट जाएगा इंटू ग्लूकोज और फ्रक्टोज, लैक्टोज टूट जाएगा ग्लूकोज और गैलेक्टोज में रिस्पेक्टिव एंजाइम्स की प्रेजेंस में। तो समझ आया, हमें मोनोसेक्राइड तक पहुंचना था, वो हमारा हो गया, डाइजेशन इज ओवर। एब्जॉर्प्शन में आपको बताना है कि क्या क्या होता है बेसिकली। तो एब्जॉर्प्शन में दो तरीके से होता है, या तो ग्लूट ट्रांसपोर्टर जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है उससे होते हैं, जो कि ग्लूट ट्रांसपोर्टर बोलते हैं इसको, ग्लूट 5 बस आपको ये पता होना चाहिए कि फ्रक्टोज के लिए चाहिए होता है, बाकी के लिए ग्लूट 2 चलेगा, ठीक है। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट SGLT सुना होगा सबने, सोडियम ग्लूकोज डिपेंडेंट ट्रांसपोर्टर, ठीक है, सोडियम और ग्लूकोज एक साथ जाते हैं ये। अब ये सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है जो कि ये एक मेम्ब्रेन के ऊपर होता है और दूसरे मेम्ब्रेन पे हमारा सोडियम पोटेशियम पंप होता है। तो बेसिकली बेसोलेटरल मेम्ब्रेन पर सोडियम पोटेशियम पंप होता है, उसको ATP चाहिए, ठीक है। अब उसकी वजह से ये सोडियम का वैक्यूम क्रिएट करता है, 3 सोडियम बाहर जाते हैं तो यहाँ पे सोडियम की डेफिशिएंसी हो जाती है जिसकी वजह से ये एक्ट कर पाता है, ठीक है। तो ये ATP डिपेंडेंट हो गया, डायरेक्टली ATP यूज नहीं कर रहा, इसलिए हम बोलते हैं सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो SGLT से एंटर करेंगे एपिकल मेम्ब्रेन में ग्लूकोज और फिर वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ग्लूट ट्रांसपोर्टर से अंदर चली जाएंगी ब्लड में, ठीक है। तो बस ये दो चैनल याद करने हैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए, एब्जॉर्प्शन इस तरीके से ड्रॉ करके ये चला जाएगा आगे पोर्टल सर्कुलेशन में। तो बस डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट का यही था। बात करते हैं प्रोटीन की, प्रोटीन में भी आपको बताना पड़ेगा कि प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है, अमीनो एसिड की चेन होती है, सेकेंडरी क्या होता है वो अल्फा हेलिक्स या शीट लाइक स्ट्रक्चर अगर बन जाए, टर्सरी क्या होता है कि उसमें दोनों स्ट्रक्चर मिल जाए, क्वार्टरनरी क्या होता है कि टर्सरी एक यूनिट बन गई हैविंग बोथ टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, तो वैसे कई यूनिट्स अगर ज्वाइन कर जाए तो क्वार्टरनरी हो गया। अब प्रोटीन का डाइजेशन जो है माउथ में मैकेनिकल हो रहा होता है, स्टमक में एसिड जो है वो ब्रेक करेगी और पेप्सिनोजन है वहां पे जो एसिड की प्रेजेंस में पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब प्रोटीन्स को वो लार्ज पॉलीपेप्टाइड्स में ब्रेक कर देगा। इंटेस्टिन में क्या होता है, इंटेस्टिन में एक और ट्रिप्सिनोजन होता है पैनक्रियास से जो पेप्सिन की प्रेजेंस में ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है, एंटेरोकाइनेज ऑन ब्रश बॉर्डर कैन कन्वर्ट इट इनटू ट्रिप्सिन, ठीक है। अब होता क्या है, बेसिकली ओलिगोपेप्टाइडेजेस या डाइपेप्टाइडेजेस जो है प्रेजेंट ऑन ब्रश बॉर्डर, तो वो सारे के सारे जितने भी प्रोटीन्स थे पॉलीपेप्टाइड्स थे उनको ब्रेक कर देंगे इनटू फाइनल प्रोटीन्स। तो क्या होता है, कीमोट्रिप्सिनोजन जैसे प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेजेस AB ट्रिप्सिनोजन, तो इनएक्टिव फॉर्म में सिक्रेट होते हैं प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स और ट्रिप्सिन की फॉर्म में सारे एक्टिव बन जाते हैं। अल्टीमेटली ये क्या करते हैं, ओलिगोपेप्टाइड और डाइपेप्टाइडेजेस को अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है डाइजेशन का।
तो डाइजेशन हो गया ओवर। अब एब्जॉर्प्शन की अगर बात करें, एब्जॉर्प्शन ऑफ अमीनो एसिड कैसे हो रहा होता है, जैसे सोडियम डिपेंडेंट ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टर था, ऐसे ही हमारा अमीनो एसिड भी ट्रांसफर हो जाता है बाय सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो इन ड्यूटेनम और जर्जनम वेरी लेस इन एलियम एब्जॉर्प्शन हो रहा होता है, यहाँ पे सेम उसी तरीके से एक्टिवली हमारा सोडियम अमीनो एसिड ऐसे ट्रांसफर हो रहा होता है, और अमीनो एसिड वैसोलेटरल पे ऐसे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से अंदर चला जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है अमीनो एसिड इनटू ब्लड स्ट्रीम, ठीक है सेम तरीके से। अब है फैट्स, फैट्स हम क्या क्या लेते हैं, सिंपल फैट्स होते हैं जैसे फैट्स, ऑयल्स, वैक्सेस, कंपाउंड लिपिड्स होते हैं जैसे फॉस्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स एंड सल्फोलिपिड्स, डेराइव्ड फॉर्म होते हैं डेरिवेटिव जैसे फैटी एसिड, अल्कोहल, स्टीरोल, ठीक है। सो नॉर्मली अगर फैट की बात करें जैसे ट्राइग्लिसराइड्स है, तो ग्लिसरॉल ग्रुप फैटी एसिड ग्लिसरॉल ग्रुप के ऊपर अटैच होंगे तीनों जगह और ट्राइग्लिसराइड बना देंगे, ठीक है। अब बेसिकली डाइजेशन प्रोडक्ट में हमें पता होना चाहिए ट्राइग्लिसराइड्स हैं, मतलब एक ग्लिसरॉल तीन अल्कोहल ग्रुप की बजाय यहाँ पे फैटी एसिड अटैच हो गए, तो उसे बोलते हैं ट्राइग्लिसराइड्स। अब वो डाइजेस्ट होगा इनटू डाइग्लिसराइड प्लस फैटी एसिड, है ना, फिर डाइजेस्ट होगा मोनोग्लिसराइड प्लस फैटी एसिड, है ना, उसके बाद ब्रेक होगा ग्लिसरॉल प्लस थ्री फैटी एसिड, जिससे बना था वही उसी में जाकर टूट जाएगा, राइट। तो ये हमें आइडिया होना चाहिए कि डाइजेशन प्रोडक्ट क्या है हर एक का। तो चलो शुरू करते हैं फटाफट से। तो माउथ में सलाइवरी लाइपेज होता है जो यहाँ पे एक्टिव नहीं होता, उसे चाहिए एसिडिक पीएच। तो स्टमक में जाके सलाइवरी लाइपेज लगभग 30% डाइजेशन कर देता है फैट का, गैस्ट्रिक लाइपेज। इंटेस्टिन में अगर हम देखें बाइल और पैनक्रेटिक, तो बेसिकली फैट्स के लिए हमें एक सलाइवरी लाइपेज नहीं बोलना और एक पैनक्रेटिक लाइपेज नहीं बोलना, ठीक है। अब यहाँ पे जो है यहाँ पे ऐसे नहीं है कि आप सीधा लाइपेज लिखेंगे और काम हो जाएगा, फैट्स का डाइजेशन थोड़ा सा डिफरेंट है। बेसिकली क्या होता है यहाँ पे बाइल का रोल आता है, बाइल करता है इमल्सीफाई फैट को। इमल्सीफाई क्या होता है कि फैट ड्रॉपलेट है, बाइल साल्ट ने उनके ऊपर एक्ट किया और छोटे छोटे ब्रेक डाउन कर दिए फाइन ड्रॉपलेट, ठीक है, बड़े ड्रॉप को छोटे ड्रॉप में कन्वर्ट कर दिया। ऐसा क्यों, ताकि लाइपेज उनके ऊपर एक्ट कर सके, ठीक है। ये पहली चीज तो हो गई इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, ये आपको भूलना नहीं है। दूसरा है माइसेल फॉर्मेशन, अब क्रॉस करने के लिए उसे बनना पड़ेगा माइसेल, ठीक है। तो फ्री फैटी एसिड मोनोग्लिसराइड्स जो ब्रेक कर दिया लाइपेज, लाइपेज ने उन ड्रॉपलेट्स को एक्ट करके और मोनोग्लिसराइड बना दिए सारे। अब मोनोग्लिसराइड सीधा तो क्रॉस नहीं कर सकते सेल के अंदर, उन्हें चाहिए माइसेल बनाना पड़ेगा जाने के लिए। तो चारों तरफ से बाइल साल्ट में सराउंड कर लेते हैं फैटी एसिड मोनोग्लिसराइड सराउंडेड बाय बाइल साल्ट, इसे बोलते हैं हम माइसेल। अब माइसेल जो है वो पैसिवली डिफ्यूज हो सकता है एपिथीलियम में, ठीक है, पहली चीज, ओके। उसके बाद जैसे ही एंटर होती है वो फिर से बना देता है ट्राइग्लिसराइड्स ऐसे ही, ओके। ट्राइग्लिसराइड फॉस्फोलिपिड्स ये सब मिलके एंड प्रोडक्ट जितने भी थे वो बना देते हैं काइलोमाइक्रोन, जो डिफ्यूज हो जाता है ब्लड में एज वेसिकल, ओके। लेस रिवाइज बाइल साल्ट ने जो है हमारा लिपिड का जो ड्रॉपलेट था उस पर एक्ट किया, उसे छोटे ड्रॉपलेट में कन्वर्ट किया, लाइपेज उनके ऊपर एक्ट कर लिया, मोनोग्लिसराइड बन गए, ठीक है। और अल्टीमेटली मोनोग्लिसराइड जब बन गए तो वो बना दिया उसने माइसेल फैटी एसिड के साथ मिलकर सराउंडिंग बाय बाइल साल्ट, ये सीधा क्रॉस हो सकता है सेल के अंदर। क्रॉस होके फिर से ट्राइग्लिसराइड बना दिया, अब बन गया ये काइलोमाइक्रोन फॉस्फोलिपिड के साथ मिलके। अब काइलोमाइक्रोन जो है वो हमारा बाहर आ गया इनटू ब्लड स्ट्रीम। अब आगे देखना है हमें इन काइलोमाइक्रोन का क्या होता है। काइलोमाइक्रोन जो है या तो लिम्फेटिक में चले जाएंगे, लीवर में जाएंगे, और जो ये जितने लिपिड आपने सुने हैं वो सब बना देंगे, ट्राइग्लिसराइड्स, फॉस्फोलिपिड्स, लाइपोप्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल के सारे भयंकर रूप जो होते हैं हमें परेशान करते हैं, जो एलडीएल, एलडीएल और एचडीएल भी है भाई, अच्छा ठीक है, ठीक है। और दूसरी तरफ सिस्टेमिक सर्कुलेशन में ये या तो एडिपोज टिश्यू में जाके डिपोजिट हो जाएंगे या फिर मसल में जाके एनर्जी के लिए यूज होंगे फर्दर, ठीक है। तो ये हो गया काइलोमाइक्रोन का फैट यानी फैट्स का एब्जॉर्प्शन। कभी कभी आयरन का एब्जॉर्प्शन पूछ लिया जाता है, तो थोड़ा सा मैं आइडिया देना चाहूंगी, क्वेश्चन आ जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले आपको आयरन की फॉर्म पता होनी चाहिए, तो 75% फंक्शनल फॉर्म, 25% नॉन फंक्शनल फॉर्म। इसमें आती है हमारी हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स जैसे साइटोक्रोम, ठीक है। और नॉन फंक्शनल में आती है फ्री आयरन जो कि टॉक्सिक होता है, बाउंड रहता है इसीलिए प्रोटीन्स वगैरह से, ठीक है। ट्रांसफेरिन, फेरेटिन, हीमोक्सिड्रिन स्टोरेज के लिए यूज होते हैं। अब आयरन एब्जॉर्प्शन की अगर हम बात करें तो इंक्रीज होता है विटामिन सी, विटामिन ए, मीट या फिश से, और डिक्रीज होता है फाइटिक एसिड, कैल्शियम, सोया, एंटासिड, एग वाइट और जिंक, ठीक है। अच्छा, आयरन जब इंजेस्ट होता है बेसिकली क्या होता है, Fe3 पॉजिटिव फॉर्म में इंजेस्ट किया जाता है,
अब उसको पहले तो फेरिक रिडक्टेज Fe फेरस फॉर्म में बनाता है इसे, ठीक है, फेरिक से फेरस बन गया, ठीक है। उसके बाद DMT डायवेलेंट मेटल ट्रांसपोर्टर जो है उसे एंटर कराता है सेल के अंदर, ठीक है। फेरिक रिडक्टेज ब्रश बॉर्डर पे प्रेजेंट होता है, ओके। तो बेसिकली फेरिक रिडक्टेज ने ही Fe3 पॉजिटिव 2 पॉजिटिव बना दिया और DMT की हेल्प से ये एंटर हो गया अंदर, और हीम जो है वो हीम आयन डायरेक्टली एंटर हो सकते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, हीम कैन गो डायरेक्टली आयरन Fe2 पॉजिटिव बाइंड टू फेरोप्रोटीन, जो Fe2 पॉजिटिव है ये फेरोप्रोटीन से बाइंड करके क्रॉस करेगा इनटू ब्लड स्ट्रीम, ठीक है। वहां पे फिर से ये Fe3 पॉजिटिव बन जाएगा एंड बाइंड विद ट्रांसफेरिन, तो ट्रांसफेरिन है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है आयरन का, वो ट्रेवल करा रहा होगा। अब लीवर में जा सकता है ये या फिर फेरेटिन स्टोर में ही रह सकता है टिश्यूज में। तो एज फेरेटिन सीरम फेरेटिन हम चेक कराते हैं कि आयरन कितना स्टोर है, ठीक है। और हेप्सिडिन जो प्रोटीन है वो स्टोरेज के लिए यूज होता है लीवर में, ठीक है। तो ये हमारे आयरन स्टोरेज के लिए आयरन बाइंडिंग प्रोटीन है फेरेटिन एंड हेप्सिडिन। इस तरीके से स्टोर हो जाता है, जब भी यूज होता है ये यहाँ से ब्रिंग बैक किया जाता है दोबारा से ब्लड में। जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम करें तो हम लीवर को भूल नहीं सकते, यहाँ पे बहुत ज्यादा डीप नहीं जाऊंगी मैं, बट फिर भी लोब्स होते हैं राइट लेफ्ट तो होते ही हैं, पीछे की तरफ कॉर्डेट और क्वाड्रेट भी होते हैं पीछे की तरफ देखो तो, ठीक है। लोब्स जो है लोब्यूल्स में डिवाइडेड होते हैं और लोब्यूल्स जो है उसमें हेक्सागोनल शेप होती है जिसमें हिपेटोसाइट अरेंज होते हैं, है ना। और अरेंजमेंट अगर हम देखें तो इस तरह से अरेंज होते हैं कि बीच में स्पेसेस होते हैं जो साइनोसॉइड्स होते हैं, ठीक है, जो कि कनेक्टेड होते हैं पोर्टल वेन के थ्रू। और इधर अगर हम देखें तो बाइल फॉर्म कर रहे होते हैं और बाइल डक्ट में जाके वो कलेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे ब्लू कलर के जो है ये साइनोसॉइड्स हो गए, ये हिपेटोसाइट्स हो गए, ये होगी हमारी सेंट्रल वेन। और बचे हुए साइनोसॉइड्स जो है जो ये कनेक्टेड है ये है हमारा ब्रांच ऑफ पोर्टल वेन और ये वाली है हमारी ब्रांच ऑफ हिपेटिक आर्टरी, ठीक है। तो इन तीनों को इकट्ठा बोलते हैं पोर्टल ट्रायड, जो हम इन तीनों को इकट्ठा बोलते हैं पोर्टल ट्रायड। तो लीवर की यहाँ बात करें तो बाइल इंपॉर्टेंट है सिर्फ, जो कि हम बताएंगे कैनालिकुलाइन में बाइल बनता है सराउंडेड बाय हिपेटोसाइट्स विच फॉर्म बाइल विच कलेक्ट इनटू बाइल डक्ट। बाइल डक्ट जो है वो इंट्रालोबुलर, जो इंटरलोबुलर बाइल डक्ट में बन जाएगी, ज्वाइन करेगी, बनाएगी लेफ्ट एंड राइट हिपेटिक डक्ट। अल्टीमेटली लेफ्ट एंड राइट हिपेटिक डक्ट बनाएगी कॉमन हिपेटिक डक्ट, जो सिस्टिक डक्ट के साथ मिलकर बनाएगी कॉमन बाइल डक्ट। सिस्टिक डक्ट कनेक्टेड होता है गॉल ब्लैडर के साथ, तो जितना बाइल बनेगा वो आके इसमें स्टोर हो जाएगा और कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो जाएगी इसकी। फिर कॉमन बाइल डक्ट में जब जरूरत पड़ेगी सिक्रेशन होगा और ये पैनक्रियाटिक डक्ट है, हिपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट मिलके बनाएगी हिपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट। यहाँ पे ये स्फिंक्टर है जिसे बोलते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, ये ओपन हो जाएगी ड्यूडेनम में, इस ओपनिंग को बोलते हैं एम्पुला ऑफ बेटर, ठीक है। तो बस यही चीज है जो आपको फ्लो चार्ट में बतानी है। कॉमन हिपेटिक डक्ट बन गई, वो सिस्टिक डक्ट के साथ मिलकर बाइल डक्ट बन गई CBD और ज्वाइन कर दिया हैज हिपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट और ओपन हो गई ड्यूडेनम में। बाइल क्या होता है, 85% वाटर 10% बाइल सॉल्ट 3% बाइल पिगमेंट्स बिलीवर्डिन और बिलीरुबिन 1% फैट्स, ठीक है। अब 0.7% आयंस प्रेजेंट होते हैं, डार्क ग्रीन टू येलो ब्राउन कलर का होता है, स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर में जाके ये कॉन्सेंट्रेशन में बाइल साल्ट बढ़ जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, फैट एसिड बढ़ जाते हैं, पोटेशियम और कैल्शियम बढ़ जाता है। अब फंक्शन है लीवर के या बाइल के जो आपको आने चाहिए एग्जाम के लिए, फंक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक तो एक्सोक्राइन फंक्शन तो है ही कि ये बाइल सिंथेसाइज करता है और बाइल का फंक्शन अभी हमने देखा है, ठीक है। इसके अलावा इट रेगुलेट पोस्ट प्रांडियल ब्लड ग्लूकोज लेवल, ग्लूकोज को स्टोर करता है ना, इसलिए ग्लूकोज बफर एक्शन है इसका, ठीक है। इट इज साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस की बहुत अच्छी साइट है, ठीक है। क्लोटिंग फैक्टर सारे यही बन रहे होते हैं, एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन बन रहे होते हैं, यूरिया साइकिल यहीं पे हो रहा होता है, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल हाइड्रोलाइज होके सिंथेसिस भी हो रही होती है, ओके। डिटॉक्सिफाइंग एक्शन, टॉक्सिन्स को रिमूवल करने का एक्शन हमारा यही कर रहा होता है, ठीक है। इसके अंदर मैक्रोफेजेस प्रेजेंट होते हैं कफर सेल, तो ये इम्यूनिटी का भी पार्ट हो गया, ठीक है। स्टोर करेगा ग्लूकोज को, B12 को, ADK और फेरेटिन हीमोसिट्रिन, ठीक है। इम्यून फंक्शन है कफर सेल की वजह से। रिजर्वोयर जो है ये हमारा काफी ब्लड रिजर्वोयर होता है, साइट ऑफ एर्थ्रोपोइसिस होता है फिटस में, है ना। एर्थ्रोपोइसिस में देखा होगा कि साइट ऑफ एर्थ्रोपोइसिस हम फिटस में बोलते हैं फर्स्ट 3 मंथ में। विटामिन डी हाइड्रोक्सिलेशन यहाँ पे हो रहा होता है। कभी कभी बाइल सिक्रेशन का थोड़ा सा आइडिया लिखना हो देख लेना, कोलेगोस सब्सटेंसेस होते हैं जो इंक्रीज करते हैं बाइल के सिक्रेशन को, जैसे कोलेसिस्टोकाइनिन। इन रेस्पॉन्स टू जब भी एसिडिक काइम आएगा ड्यूटेनम में तो उसे बाइल चाहिएगा, है ना, तो कोलेसिस्टोकाइनिन रिलीज होगा जिसकी वजह से बाइल सिक्रेशन बढ़ेगा।
स्टिमुलेट करेगा गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्शन को और रिलैक्स कर देगा स्फिंक्टर ओडाई, ये वैगल स्टिमुलेशन से भी हो रहा होता है। दूसरा है कोलेरेटिक सब्सटेंस, जिसमें बाइल का सिंथेसिस बढ़ेगा, यहाँ पे सिक्रेशन बढ़ेगा, यहाँ पे बनना बढ़ेगा, तो ये होता है सिक्रेटिन की वजह से। तो कोलेसिस्टोकाइनिन तो सिक्रेट कराता है और सिक्रेटिन जो है वो सिंथेसाइज कराता है ज्यादा बाइल। थोड़ा सा आइडिया पैनक्रेटिक जूस का होना चाहिए। पैनक्रेटिक जूस जो है 1500 ml पर डे सिक्रेट होता है, कलरलेस होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी भूल भी जाओ चलेगा, पीएच मत भूलना 7.8 to 8.4, बाइकार्ब बहुत ज्यादा होता है 4 to 5 टाइम्स दैट ऑफ प्लाज्मा। इसमें आयंस होते हैं जितने आपको पता है वो लिख देना, और एंजाइम्स जो है वो पैनक्रेटिक अल्फा अमाइलेज, ठीक है, पैनक्रेटिक लाइपेज, इसमें सारे एंजाइम होते हैं भाई, प्रोटीन फैट और कार्बोहाइड्रेट तीनों के एंजाइम होते हैं, और ट्रिप्सिन होता है जो ट्रिप्सिनोजन की फॉर्म में होता है, नहीं तो पैनक्रियाज कोई ब्रेक कर देगा, ये कीमोट्रिप्सिन होता है, ट्रिप्सिन इनहिबिटर भी होता है ना, हेसिनर सेल सिक्रेट करते हैं ताकि ट्रिप्सिन जो है ऑटोडाइजेशन ना करे पैनक्रियाज का। सिक्रेशन जो है सिफेलिक फेज होता है, साइड स्मेल से सिक्रेशन हो जाएगा पैनक्रियाज का, जब खाना खाएंगे स्टमक में आएगा तो भी हो जाएगा, या इंटेस्टिन में आएगा तब भी हो जाएगा। तो ऑब्वियसली मेजर कब चाहिए, जब इंटेस्टिन में आ जाएगा, तो 50 to 80% जो है वो जब इंटेस्टिन में फूड आ जाता है तभी पैनक्रियाज सिक्रेट करता है इस सिक्रेशन को, और ये मॉडिफाई किया जाता है सीसीके और सिक्रेटिन इसे कंट्रोल कर रहे होते हैं। इसके फंक्शन कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, तो ये एसिनार सेल को स्टिमुलेट करेगा, पैनक्रेटिक सिक्रेशन भी बढ़ाएगा, ठीक है, गॉल ब्लैडर को स्टिमुलेट करेगा तो बाइल सिक्रेशन बढ़ाएगा, इसीलिए रिलैक्स भी करेगा स्फिंक्टर ऑफ ओडाई को, गैस्ट्रिक एम्प्टिंग को ये इनहिबिट करता है जब भी एसिड आता है, और जब खाना खाते हैं तो सेटेटी वाली फीलिंग भी यही करा जाता है, ठीक है। स्टिमुलेट एक्शन ऑफ सिक्रेटिन, सिक्रेटिन को स्टिमुलेट करके बाइल का सिंथेसिस भी बढ़ा रहा होता है, इट इंक्रीज द सिक्रेशन ऑफ एंटेरोकाइनेसिस, ताकि सिंथेसिस ऑफ एंटेरोकाइनेस बढ़े और डाइजेशन अच्छे से हो सके, और इंक्रीज मोटिलिटी ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये कुछ फंक्शन है सीसी के। सो डाइजेस्टिव फिजियोलॉजी का लास्ट टॉपिक करने जा रहे हैं हम, जो कि 100% पूछा जाता है, इसलिए मैंने सोचा ये भी कर लेती हूँ, पेप्टिक अल्सर। तो पेप्टिक अल्सर आता है बेसिकली गैस्ट्रिक मुकोजा की डैमेज हो रही होती है, बेसिकली पाइलोरस की। कोज क्या होता है, एच पाइलोरी, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, ग्राम नेगेटिव ये बैक्टीरिया होता है, ठीक है, इट हैज लाइपोपॉलीसेकेराइड विच हेल्प इन एडहेरेंस, एंड इट हैज कुछ एंजाइम है इसके पास, यूरियाज एंजाइम है एक तो, जिसे यूरिया कन्वर्ट कर देता है ये अमोनिया में, ठीक है, और बाद जो म्यूकस को डिसॉल्व कर देता है, और कुछ एक्सोटॉक्सिन्स होते हैं जो बहुत पावरफुल होते हैं, वैक ए और कैग ए, वैक ए एपोप्टोसिस कराता है और कैग ए जो है वो सेल की इंटीग्रेटेड सेल्स को डैमेज कर देता है, ठीक है, इन्फ्लेमेशन कर देता है। कैसे लिखेंगे, यूरिया जो है, यूरिया न्यूट्रलाइज करता है एसिडिटी को वाया अमोनिया, एंड इट यूजिंग द फ्लैजेला इट कैन पेनिट्रेट थ्रू द म्यूकोजा, समझ आया। तो इसने यूरिया सिक्रेट किया, यूरिया ने म्यूकोजा को डिसॉल्व कर दिया, और फ्लैजेला की हेल्प से ये आ गया नीचे तक, ओके, ठीक है। ये हमारा गैस्ट्रिक एपिथीलियम है, इसके ऊपर है म्यूकस की लेयर और उसके ऊपर है एसिड, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, अब उसके बाद ये करेगा एंडोटॉक्सिन्स को सिक्रेट, ठीक है, एंडोटॉक्सिन और पॉलीसेकेराइड की वजह से ये अटैच हो पाएगा एपिथीलियम में, अटैच हो गया, अटैच हो गया, इसने कर दिया सिक्रेट दोनों एंडोटॉक्सिन, कैग ए और वैक ए, ठीक है। अब कैग ए जो है ये स्टिमुलेट करेगा यहाँ पे साइटोटॉक्सिन्स का प्रोडक्शन, इंटरल्यूकिन सिक्रेट कर देगा, इंटरल्यूकिन तो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स को अट्रैक्ट करते ही हैं, न्यूट्रोफिन को साइट पे बुला लेंगे और इन्फ्लेमेशन हो जाएगी उस एरिया की। वैक ए जो है वो एपोप्टोसिस कर देगा, तो सेल डैमेज भी शुरू हो गई, सेल डेथ भी शुरू हो गई, सेल डैमेज शुरू हो गई। अब सेल हीड अगर डैमेज हो गई और इन्फ्लेमेशन हो ही रखी है वहां पे, तो ये बन गया हमारा अल्सर, डैमेज टू सेल वाया वैक ए। कैग ए और वैक ए दोनों मिल गए, अलाउ एचसीएल कम इन कॉन्टेक्ट, और टिश्यू तो डैमेज होना ही है, फिर अल्सर बन जाएगा। अब इसी तरीके से ड्यूडेनल अल्सर भी बन सकते हैं। साइन सिम्टम क्या आएंगे, हार्ट बर्न की फीलिंग होगी सबसे इंपॉर्टेंट, इनडाइजेशन, नोजिया, वोमिटिंग, एक्सेस गैस क्योंकि एच पाइलोरी है, फटीक, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट। कोज है एच पाइलोरी या फिर बहुत ज्यादा नसेट्स ले लिए, है ना, हमने देखे थे नसेट्स जो है बेसिकली कॉक्स इनहिबिटर होते हैं, उन्होंने एसिड तो सिक्रेट होने नहीं देना और ऊपर से अल्सर क्रिएट करना है, ठीक है, ओके, क्योंकि म्यूकोजा जो है हमारा पीजी जो है प्रोस्टाग्लैंडिंस, वो म्यूकोजा बाइकार्ब लेयर बनाते हैं, अब ये उसी को इनहिबिट कर रहा है, प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस को इनहिबिट कर रहा है, मतलब उस लेयर को बनने नहीं देगा, प्रोटेक्टिव कवरिंग है नहीं, एसिड सिक्रेशन बढ़ा दिया, तो उसे होना क्या है, अल्सर, राइट। स्ट्रेस की वजह से भी होते हैं अल्सर, स्पाइसी फूड की वजह से भी होते हैं, और रिस्क फैक्टर्स अल्कोहल और स्मोकिंग तो होते ही हैं, ठीक है। हम एंडोस्कोपी करा के और यूरिया टेस्ट से पता कर सकते हैं और एच पाइलोरी को रूल आउट कर सकते हैं, ठीक है। ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली एसिड का ट्रीटमेंट चलेगा,
प्रोटोन पंप को इनिबिट कर दो ओमीप्राजोल, हिस्टामिन ब्लॉकर दे दो एंटासिड, स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत जरूरी क्योंकि कॉज है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस भी बहुत चाहिए, ज्यादा स्पाइसी फूड ना खाए, एक्सरसाइज करे, है ना, और सर्जरी जो है वो रिकंस्ट्रक्शन, पाइलोरस का रिकंस्ट्रक्शन कर दिया जाता है, ठीक है, जो अल्सर्स हैं उनको हील किया जाता है। तो ये था हमारा गैस्ट्रिक अल्सर और कैसे हम लिखेंगे। तो आई होप ये डाइजेस्टिव सिस्टम फिजियोलॉजी की रैपिड रिवीजन आपको बहुत पसंद आई होगी। आई कैन अश्योर यू कि डाइजेस्टिव में आप 100% स्कोर करेंगे अगर कुछ भी आता है तो, ठीक है। हमने सारे पॉइंट्स कवर किए हैं, कैसे लिखना है कवर किया और सारी चीजें पढ़ी हैं। ये नोट्स अगर आप परचेज करना चाहें तो मैं व्हाट्सएप नंबर नीचे दे दूंगी, आप परचेज कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट कौन सी रैपिड रिवीजन चाहिए वो कमेंट करके मुझे बता देना, और मुझे ये जरूर बताना कि नोट्स और रैपिड रिवीजन कैसी लग रही हैं। आपके फीडबैक मिलेंगे तो मुझे भी मोटिवेशन भी मिलेगी और आगे मुझे भी पता चलेगा कि आपको किस टाइप के लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं इस चैनल पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गुड लक गाइस, बाय बाय।